अस्सलाम वालेकुम, लो आ गई ना एक और ज़बरदस्त बच्चों को खुश कर देने वाली आसान सी रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है और बच्चों को क्या है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की लगती है और सबसे खास बात यह आसान भी बहुत है, इसे आसानी से बच्चे भी बना सकते हैं। और अगर आपके डिवाइस में चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ वो पहले आपको मिला। वेस्ट करे बगैर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही हेल्दी तरीके से वीडियो को बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 3 कलर के शिमला मिर्चों को अच्छे से वॉश करके ड्रेन कर लिया है। लाल वाला शिमला मिर्च को हम यहाँ पे हाफ कट करेंगे, हाफ को भी हम साइड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे बारीक बारीक सा लाल वाला शिमला मिर्च को चॉप कर लेना है और जो इसका ऊपर का हिस्सा है उसे हम हटा देंगे। तो मैंने यहाँ पे लाल वाले मिर्चों को कट कर लिया है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे येलो वाला मिर्चा भी कट कर लूँगी। तो हरे वाले शिमला मिर्च को भी इसी तरह से कट कर लेंगे जैसे कि मैंने लाल वाले और पीले वाले शिमला मिर्च को कट किया है। इसी तरह से हम टमाटर भी कट करेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर को एक से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया है, इसे भी हम सेम कटिंग में कट करेंगे। और अब हम सारी चीज़ों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो भी मैंने वेस्ट कट करी है तो इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। हाफ कप स्वीट कॉर्न ऐड करूँगी, स्वीट कॉर्न इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड करूँगी जो कि 1 टेबल स्पून जितना है, आप अपने हिसाब से कोई सी भी सॉस यहाँ पर ऐड कर दें। इसी के साथ मैं मायो ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना मायो ऐड किया और 2 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप ऐड किया है। इसी के साथ काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और इसमें एक अच्छा सा मिक्स देंगे। ये स्टफिंग बहुत मज़े की बिना चूल्हा जलाए बिना झंझट के स्टफिंग रेडी हो जाती है, काफ़ी हेल्दी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये, आपको ये जो आप पिज़्ज़ा बनाएंगे बहुत मज़े का लगेगा। इसी के साथ यहाँ पर मैं 1/4 कप जितना भरकर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़े की लगती है, इस रेसिपी की जान है ये, बच्चों को इसी वजह से ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ को ऐड कर दिया, इसमें एक अच्छा सा मिक्स देंगे और इसे साइड कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसे भी साइड कर देते हैं। आपको ये भी बहुत ही मज़े का दिख रहा होगा, ये स्टफिंग कितनी बढ़िया दिख रही है, इसे साइड कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमें पाव में इन्हें ये स्टफिंग को पाव में स्टफ करना है। तो आपके पास जो से भी पाव हैं आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पर बच्चों की पार्टी चल रही है, बच्चे इंजॉय करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा से पाव यूज़ कर रहे हैं। आप इनमें से 1 या 2 से भी काम चला सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरे 6 पाव यहाँ पर लिए और इस तरह से आपको डीप कटिंग करनी है और एक स्पून की हेल्प से या फिर अपने फिंगरों की हेल्प से आप अंदर तक स्टफिंग को अच्छे से फिल कर लीजिएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो मैंने पूरे सारे जितने भी मैंने कटिंग करी थी, कटिंग लगाई थी, डीप कटिंग करी थी, उस सारे मैंने स्टफ कर दिए हैं, पूरी की पूरी इस जो स्टफिंग से पूरा फिल कर दिया है। अगर स्पून से नहीं बने तो आप हाथों की हेल्प से आप इसे कर सकते हो। अब मैं फिर से मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ, आपको जितनी पसंद हो जितनी ज़्यादा या कम आप इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर सकते हो। इसी के साथ चिली फ्लेक्स स्प्रेड करेंगे और गैनो यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, इसके बगैर भी बन सकता है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसकी लुकिंग को पिज़्ज़ा शेप देते हुए एक बेहतरीन से मैंने कटिंग स्लाइसेस ली है जो कि मैंने शिमला मिर्च कट करे थे, थोड़ा थोड़ा सा कटिंग मैंने इस तरह से इसमें लगा दिया है और ये बिल्कुल रेडी है। इसे आप तवा में भी और कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो और इसे ओवन में या फिर माइक्रोवेव में बेक वाला मोड लगा करके आप इसे बेक कर सकते हो। ये पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत मज़े का लगता है, बच्चे देखते ही खुश हो जाते हैं कि आज इतनी स्पेशल सी चीज़ बन रही है, बहुत इन्जॉय करते हैं, बच्चों की पार्टी चल रही है तो बच्चे इन्जॉय करने वाले हैं। तो आइए इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये रियली बहुत मज़े का दिख रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस आसान से पिज़्ज़ा को ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है बन पिज़्ज़ा। तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि मैं इसे माइक्रोवेव में बेक करने वाली हूँ, बेक मोड में लगा कर। तो इसे हम एक राउंड प्लेट में इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे पहले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसे हम पहले एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से और अब इसे हम बेक कर लेते हैं।
तो माइक्रोवेव में मैंने पहले माइक्रोवेव को बेक सिस्टम में लगा के उसे प्रीहीट कर लिया था, उसके बाद इसे हम 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। और ये ज़बरदस्त सा पिज्ज़ा हमारा बेक हो चुका है, जो कि आप देख ही सकते हो। और बेक होने में थोड़ा सा ये, जब इसके अंदर की स्टफिंग जो है वो कुक हुई है, तो थोड़ा सा ये फैल गया। बहुत मज़े की लुकिंग है, बहुत मज़े का दिख रहा है। आइए इसे अब हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। तो आप इसकी जो पिज़्ज़ा है ना, जो मैंने चीज़ ऐड करी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की, और लुकिंग आप देख सकते हो बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। गर्मा गर्म आप इसे ऐसे ही सर्व करें, पहले तो इसमें सॉस वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, इतना मज़े का है ये। और बच्चों को बहुत पसंद आया, बच्चों ने खूब जमकर इंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ ये आसान सी रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आई होगी, आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं, इंजॉय करें इसके साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर बताएं कैसा लगा है ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर से दें। और अगर आपके डिवाइस में चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तो और अगर कमेंट्स में आकर ज़रूर से बताइएगा। तो अब दीजिए अपनी प्यारी से दुआओं के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने फैमिली का भी, और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।